तो भाई फ्रीजर में आ गया हूँ और फ्रीजर में देखो कि क्या रखा हुआ है। वाइल्ड स्टोन एज और सेवन अप का ब्रिंग, लिटरली देखो बर्फ जमी हुई है इस पर। और आज इसको तीसरा दिन है इसके अंदर, तो इनको एक बार फ्रीजर से निकालता हूँ और टेबल पे ले जाकर बताता हूँ कि इनका क्या सीन है, क्यों मैंने फ्रीजर में रखा है, क्यों ऐसे टॉर्चर कर रहा हूँ मैं इनको। तो एक बार देख लो भाई, लिटरली इन पर बर्फ़ जम रखी है, पर परफ्यूम अंदर जमा नहीं है। कुछ फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता होगा, मतलब और ज़्यादा कम होता होगा माइनस में। ये तो मैंने बिल्कुल फ्रीज़र को मैक्स सेटिंग पे करके इसको रख दिया था। और सेम विद हेवन डफ्ट ब्रिम, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है फ्रॉस्टेड ग्लास। हेवन डफ्ट आपके लिए एक सजेशन है, इसको फ्रॉस्टेड कर दो, बड़ा ही सुंदर लग रहा है। तो देखो मैंने इसको फ्रीज़र में क्यों रखा, एक बार मैं बता देता हूँ आपको, आपको थोड़ा समझ आएगा। एक अफवाह होती है, जैसे रूमर्स होती है, मिथ्स होती हैं कि फ्रीज़र में रखने से लास्टिंग बढ़ जाती है, स्टेबल हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स और स्टेबल हो जाते हैं, 10 चीज़ें और बताते हैं। तो भाई मैंने डिसाइड करा सबसे पहले अपने सस्ते परफ्यूम को रखने का। मैंने बहुत पहले सुनी थी, 2-3 साल पहले मैंने बात सुनी थी, पर मैंने डिसाइड करा अपने सबसे सस्ते परफ्यूम को, जो मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारा भी नहीं है, उसके साथ ही एक्सपेरिमेंट करने का। वो था मेरे साथ वाइल्ड स्टोन एज। ये मैंने 200 रुपये का 30 ml लिया था और इसकी लास्टिंग में बड़े इशूज़ थे, 15-20 मिनट में गायब सा हो जाता था, बस कपड़ों पर फेंटली एग्जिस्ट करने लगता था। तो भाई मैंने इसको लिया और मैंने फ्रीज़र में पटक दिया। 48 आवर्स के बाद जो कल हो गए थे इसके पूरे, मैंने सुबह निकाला, मैंने अपने हाथ पे 5 स्प्रे मारे स्किन पर, भाई ये इतना ढीट हो चुका है परफ्यूम अब, ये आधा घंटे तक इसने मेरे को इतना गंदा प्रोजेक्शन दिया, इसने मेरी नाक चोक कर दी, ये बीस्ट मोड हो चुका। और फिर मुझे लगा शायद वो बात सही थी, मैंने एक फॉलोअर से बात की थी कॉल पे, उन्होंने मेरे को बोला था कि ऐसा होता है, कुछ कुछ कंपनियाँ भी सजेस्ट करती है कि हमारा जो परफ्यूम है फ्रीज़र में डालो, शायद वो सेटल जल्दी हो जाए। और सेम दिक्कत मेरे को आ रही थी ब्रिम के साथ में, ब्रिम का रिव्यू मैंने इसलिए डिले कर दिया क्योंकि इससे लास्टिंग अच्छी नहीं आ रही, और अभी बहुत ज़्यादा जल्दी होगी अगर मैं इसके बारे में एक रिव्यू बना दूं और बोल दूं कि लास्टिंग अच्छी नहीं है। तो मैं ट्राई करना चाह रहा था कि जो भी मेरे मैक्स एफर्ट्स हो सकते हैं उसको करूं, इसकी लास्टिंग अच्छी निकालूं, उसके बाद ही अपने कुछ ना कुछ कंक्लूजन दूं आप लोगों को। तो मैं थोड़ा रिस्पॉन्सिबली अपना इस इन्फ्लुएंसरशिप को परस्यू करता हूं, ऐसे नहीं कि जो आया बोल दिया हूं मैं। तो इसके साथ तो भाई बहुत पॉजिटिव रिजल्ट था, ये तो बहुत तगड़ा बीस्ट मोड बन गया। तो अभी मैंने इसको रखा था, अगर आपके पास कोई ऐसा परफ्यूम है जो आप मानते हो कि मेरे लिए डेड हो चुका है वो, इसमें लास्टिंग कुछ नहीं है, मेरे लिए बर्बाद है, तो उसके साथ भी कर सकते हो। मैं अपने महंगे परफ्यूम के साथ ये चीज़ नहीं करूँगा, पर कोई परफ्यूम अगर मेरा ऐसा है जिसमें लास्टिंग है ही नहीं और वो बिल्कुल डेड हो चुका है, तो भाई लास्ट ऑप्शन के तौर पर मैं उसको फ्रीज़र में रखना पसंद करूँगा। और थोड़ा सॉरी, ये पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है साइड वाले घर में, तो इसलिए आज मैं लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, नहीं तो नाक में दम हो जाता। बाकी देख लो भाई, प्रॉपर फ्रीज हो रखे हैं, माइनस मुझे लगता है 10 या 15-20 डिग्री सेल्सियस था मेरा जो फ्रीज़र था, पर ये इसकी चुस्की नहीं जमती, इसकी आइसक्रीम कुल्फी नहीं जमती, ये लिक्विड ही रहता है, बट ठंडा बहुत हो जाता है। तो मैंने तो सुना था कि भाई स्टेबल हो जाते हैं, पर देखो मुझे इस केमिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, इसकी परफॉर्मेंस बढ़ गई है इसकी, अब मैं इसको ट्राई करूंगा। और इसकी लास्टिंग बड़ी है नहीं बड़ी ये मैं इसके फुल रिव्यू में बताऊंगा, ये थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो, थोड़ा हैक टाइप का वीडियो है कि अगर आपका परफ्यूम आपके लिए खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है कि लास्टिंग नहीं दे रहा, सारी शिकायतें आपको, तो एक बार फ्रीजर वाला हैक जरूर ट्राई करना, थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आपको मिल जाए। मेरे को तो इससे मिल गया और मेरे को सब लास्टिंग के हिसाब से कोई शिकायत नहीं है, अब ये रेडी है मेगा कंपैरिजन के लिए। बस मेरे को ये पसंद नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ा सा सिंथेटिकनेस फील होती है, थोड़ा सा ना अजीब सा फील होता है, नकली नकली सा फील होता है, नेचुरल सा फील नहीं होता। तो बस ये इसके बारे में, बाकी इसकी बात इसकी वीडियो में करेंगे। फ्रीजर का हैक ट्राई करके देख सकते हो, मेरी तरफ से तो थम्स अप है। मुझे नहीं लगा था मैं कभी ऐसी एक अजीब सी मिथ को ट्राई करूंगा और उसको आप लोगों तक सजेस्ट करके बताऊंगा। बाकी मैंने कल इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली, बहुत बंदों ने अपने रख दिए फ्रीजर में, तो अच्छी चीज़ है, एक बार ट्राई करके देख सकते हो, जितना मैक्स मुझे लगता है पुश हो सकता है एक परफ्यूम, वो फ्रीजर में हो जाएगा। तो बस ये था आज का छोटा वीडियो, संडे स्पेशल। बस मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।